दोस्तों यहाँ पर आप एक वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में एक आदमी है और इस आदमी का पैर तक नहीं है, फिर भी ये अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में मेहनत करूंगा तो मेरे को 100% सक्सेस मिलेगी। और आप में से काफी सारी ऑडियंस ऐसी है जो अपने यूट्यूब चैनल पर 10 वीडियो, 20 वीडियो, 50 वीडियो बनाकर अपलोड करके बोलने लग जाती है कि सर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इतनी सारी वीडियो बना के अपलोड कर दी है, फिर भी मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आते। व्यूज कहाँ से आएंगे? जब तक आपके अंदर वो हौसला नहीं होगा काम करने का, तो आपके यूट्यूब चैनल पर आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसा YouTube चैनल दिखाऊंगा जो अपने YouTube चैनल पर ना तो फेस दिखाता है और ना ही अपनी वॉइस ओवर करता है, और उसका चैनल 100% मोनेटाइज है, वो भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आप बगल में मेरी मोबाइल स्क्रीन को देख सकते हो, सुपर ब्रेन के नाम से YouTube चैनल है। और यहां पर आपको सबसे पहले चैनल दिखाता हूं कि चैनल कब बना, जिसको देखकर आपको भी हौसला मिलेगा 2023 में YouTube पे काम करने का। तो यहां पर आप चैनल देख सकते हो, यहां पर 5 दिसंबर 2022 को YouTube चैनल बना और पिछले महीने चैनल बना और आज YouTube चैनल मोनेटाइज भी हो गया, आज अपने YouTube चैनल से पैसे कमाने भी लग गया। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, यहां पर देखो ये चैनल इंडिया का नहीं है, यहां पर देखो यूनाइटेड स्टेट का है, इंडिया का नहीं, यूनाइटेड स्टेट का। और इंडिया में ऐसे चैनल आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे और इसी चीज का आपको फायदा उठाना है, 2023 में ऐसा चैनल बना के आप यूट्यूब पे काम कर सकते हो। यहां पर मैं आपको इसकी वीडियो पे लेके चलता हूं, वीडियो किस टाइप की बनाई जाती है वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले व्यूज देख लो, 3,000, 6,000, 10,000, 9,000 व्यूज भी अच्छे खासे वीडियो पे आ रहे हैं। अब वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूं, वीडियो किस टाइप की बनाई जाती है चैनल पे वो बता देता हूं। आपने काफी सारे पजल देखे होंगे जिसमें आपने 5 डिफरेंस ढूंढने होते हैं, आपने छोटे होंगे आप तब आप कॉमिक्स में देखते होंगे 5 डिफरेंस, अखबारों में देखते होंगे 5 डिफरेंस, उसी तरीके से ये वीडियो बनाता है। जैसे ये 2 इमेजेस है, यहां पर इनमें 5 डिफरेंस ढूंढने हैं, तो स्टार्टिंग में 15 से 20 सेकंड तक इसी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके लगाता है, फिर एंड में टाइमर चलता रहता है, टाइमर जैसे ही खत्म होता है तो यहां पर वीडियो में दिखा देता है कि इस इन दोनों इमेज में ये डिफरेंस है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि यहां पर देखो यह टाइमर खत्म हो गया, अब यहां डिफरेंस बताए जाएंगे। अब देखना यहां पर ये देख सकते हो, ये गोल गोल ब्लू कलर के आ रहे, अब यहां पर डिफरेंस दिखाए गए हैं इस तरीके से, ये देख सकते हो। और आप भी इसी तरीके से इस मोबाइल का यूज करके, आपके पास भी ऐसा मोबाइल होगा, इसी मोबाइल का यूज करके ऐसे वीडियो बना सकते हो, आपका भाई आपको सिखाएगा, पूरा इस वीडियो में सिखाऊंगा। और अगर आप 2023 में यूट्यूब पे काम करना चाहते हो तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो फिर आपको वीडियो बनाना नहीं आएगा, फिर आप जैसे 2022 में यूट्यूब पे घिसते रह गए ऐसे 2023 में भी घिसते रह जाओगे। तो वीडियो बनाने के लिए आपको कंटेंट कहां से मिलेगा वो सबसे पहले बताता हूं, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक यूट्यूबर के लिए, वही चीज वो यूट्यूब पे ढूंढता है कि कंटेंट कहां से ले, तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद यहां पर आपको लिखना है कैन यू स्पॉट इट डिफरेंसेस, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करके ऊपर प्ले बटन पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने पजल्स आ जाएंगे 5 डिफरेंसेस वाले। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लेना है, जैसे मैंने नीचे स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर रखा है, अब इसमें आपको 5 डिफरेंस बताने हैं और आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे देख मैं बताता हूं पूरा आपको तरीका, जैसे इस इमेज में ये डिफरेंस है, इस इमेज में ये डिफरेंस है, इस इमेज में ये डिफरेंस है, इस तरीके से आपको डिफरेंस ढूंढने हैं। जैसे मैंने 4 डिफरेंस ढूंढ दिए, इसी तरीके से आपको वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल काइन मास्टर में आ जाना है, अपने फोन में आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको मैं ये दिखा देता हूं सबसे पहले
कि चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। ये प्रूफ आप सबसे पहले देख लो, यहां पर देख सकते हो चैनल 100% आपका मोनेटाइज होगा और इसका भी चैनल 100% मोनेटाइज है। अब मेरे को कमेंट करके मत पूछना कि सर चैनल मोनेटाइज होंगे या नहीं होंगे। और इसके अलावा और कुछ इस वीडियो के बारे में पूछना चाहते हो, ऐसी वीडियो बनाने के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, भाई को फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, सब कुछ आपको बता दूंगा। चाहे आपको कुछ भी चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड, सब कुछ आपका भाई आपको प्रोवाइड कर देगा। अब आपने सब कुछ देख लिया, प्रूफ देख लिया, अब आपको सिंपल काइनमास्टर ओपन कर लेना है। और भाई जो भी बताता हूं जेन्युइन बताता हूं, कोई आपको फेक तरीका काम करने का नहीं बताता हूं, प्रूफ के साथ जो भी बताता हूं प्रूफ के साथ बताता हूं। काइन मास्टर ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है, 16.9 पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर लेना है और आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब यहां से एक भी पार्ट मिस मत करना, नहीं तो फिर पछताओगे। यहां पर आपको मीडिया पे जाना है, मीडिया पे जाने के बाद इमेज असेस्ट पे जाना है और यहां पर आपको ब्लैक बैकग्राउंड ले लेनी है। ब्लैक बैकग्राउंड लेने के बाद इस पे आपको दबाना है और इसको आपको 15 सेकंड तक कर लेना है, 15 सेकंड तक इसका साइज कर लेना है। जैसे कर लोगे, अब यहां पर आपने जो वीडियो रिकॉर्ड करी है उस एप्लीकेशन में वो लेके आनी है। लेयर बटन पे क्लिक, मीडिया पे क्लिक करना है, आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। जो आपने वीडियो रिकॉर्ड करी वो यहां पर आपको लेके आनी है। जैसे मैंने पहले से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है ये वाली, अब इसको आपको पूरा का पूरा यहां पर इतना पूरा स्क्रीन पे कर लेना है। जैसे कर लोगे, जो आपने वीडियो ली उस वीडियो पे आपको दबाना है। वीडियो पे दबाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट मिलेगी, ऊपर की तरफ कोने में 3 डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर देना है। इसकी 2 लेयर आपकी बन जाएगी, जैसे यहां पर देख सकते हो 2 लेयर बन गई। अब क्या करना है, इन दोनों लेयर को आपको एक इस साइड में कर देना है, एक इस साइड में कर देना है, यहां पर इस तरीके से कर देना है, कर दी। अब यहां पर आपको पहली वाली लेयर पे क्लिक करना है, कर लिया। ऊपर यहां पर ऑप्शन आ जाएंगे, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉप का, क्रॉप पे गए, यहां पर आपको इसका क्रॉपिंग कर लेना है। सबसे पहले आपको ऊपर का पार्ट क्रॉप कर लेना है, यहां पर इस तरीके से ऊपर का पार्ट क्रॉप हो गया। फिर आपको नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है, इसका भी आपको क्रॉपिंग कर लेना है, नीचे वाला पार्ट, यहां पर इसका नीचे वाला पार्ट आपको क्रॉप कर लेना है। अब 2 पार्ट आपके क्रॉप हो चुके हैं, अब इनको आपको पूरा का पूरा इस तरीके से बड़ा साइज करके दोनों को एडजस्ट कर लेना है। जैसे मैं यहां पर दोनों को एडजस्ट कर लेता हूं, इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। अब यहां पर आपको एक काइनमास्टर में ऑप्शन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। यहां पर ऑप्शन मिलेगा कैप्चर एंड सेव, कैप्चर एंड सेव पे आप क्लिक करोगे, आपकी एक इमेज सेव हो जाएगी। अब क्या करना है, अब इन दोनों लेयर को आपको डिलीट कर देना है, इसको भी डिलीट कर देना है, इसको भी डिलीट कर देना है। अब आपको यहां पर जो आपने कैप्चर एंड सेव इमेज सेव करी वो यहां पर आपको लेके आनी है। लेयर बटन पे क्लिक करोगे, मीडिया पे जाओगे और यहां पर काइन मास्टर कैप्चर का फोल्डर बन जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और यहां पर आपको वो कैप्चर वाली इमेज लेके आनी है। फिर इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है, यहां पर पूरी स्क्रीन पे एडजस्ट कर दिया। अब जो आपने इमेज ली उस इमेज पे क्लिक करके इसको भी 15 सेकंड तक का साइज कर देना है, कर दिया। अब यहां पर इसको आपको थोड़ा सा आगे कर लेना है, इतना आगे कर लेना, आगे क्यों करा, यहां पर अब यहां पर आपको लिखना है #onepuzzle। तो यहां पर लेयर बटन पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट पे जाओगे और यहां पर आपको लिख देना है #onepuzzle। यहां पर ओके पे क्लिक करोगे, इसका साइज आपको बड़ा करना है, बीच में लेके आना है, इसका आपको अच्छा नहीं लग रहा फॉन्ट बड़ा करना है, फॉन्ट पे जाओगे, यहां पर इसका फॉन्ट स्टाइली करके और फिर कलर पे जाओगे, कलर इसका कर देना है और इन एनिमेशन में जाके इस पे पॉपअप का एनिमेशन दे देना है। अब यहां पर इसको थोड़ा, जहां तक ये आपकी फोटो आ रही है उतना इसका साइज कर देना है, कट करके यहां पर आगे गए, इस पे टेक्स्ट पे क्लिक किया, कैंची वाले ऑप्शन पे गया, ट्रिम राइट। अब यहां पर देख सकते हो इस तरीके से आपकी एक वीडियो बन गई। अब यहां पर आपको क्या करना है, टाइमर लगाना है, जैसे 15 सेकंड का टाइमर हो गया, 20 सेकंड का टाइमर हो गया, वो कहां से मिलेगा,
यूट्यूब से, वहां पर लिख देना 15 सेकेंड टाइमिंग ग्रीन स्क्रीन। तो लेयर बटन पे जाओगे, मीडिया पे जाओगे, आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी, जो आपने डाउनलोड किया वो यहां पर आपके सामने डाउनलोड आ जाएगा। ये देख सकते हो इसके पीछे ग्रीन स्क्रीन है, स्क्रीन ये काफी सारे ऑप्शन आएंगे, क्रोमा की पे क्लिक करके इनेबल कर देना, आपकी ग्रीन स्क्रीन हट जाएगी। अब इस टाइमर को आपको यहां पर नीचे एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाता हूं प्ले करके, ये देख सकते हो पजल आया, ये देख सकते हो 7। इस तरीके से आपका टाइमर चलेगा। ऊपर आपको लिख देना है, ऊपर आपको लिख देना है 5 differences। लेयर पे जाओगे, टेक्स्ट पे जाओगे, 5 differences लिख देना है। फाइव डिफरेंसेस लिख के इसको आपको बड़ा करके ऊपर यहां पर लगा देना है, और इस टेक्स्ट का आपको पूरा 15 सेकंड तक का जितनी भी आपकी हुआ है उतना कर देना है। अब यहां पर देखो पजल बनाया, 5 differences लगा, नीचे टाइमर चल गया। यहां पर आपने इस तरीके से किया, अब आपको एंड में लेके आना है, और जितना भी आपका फालतू का पार्ट ये यहां पर है इसको आपको कट कर देना है। कट कर दिया, अब जो ऊपर वाली ब्लैक बैकग्राउंड है इसको आपको बड़ा कर लेना है इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से बड़ा कर लेना। कर लिया, अब यहां पर आपको लिख देना है, यहां पर आपको लिख देना है आंशवर, क्योंकि आप 5 difference के आंसर बताओगे। लेयर पे जाओगे, टेक्स्ट पे जाओगे, और यहां पर आपको लिख देना है आंशवर। यहां पर गया और इसको भी इसका बड़ा करके, इसका भी आपको फॉन्ट साइज में जाके इसका भी फॉन्ट साइज करके, और इसका भी रेड कलर आपको दे देना है, और यहां पर रेड कलर के इन एनिमेशन में जाओगे पॉप अप कर देना है। अब यहां पर देखो जैसे 15 सेकंड खत्म होंगे यहां पर आंसर आ गया, फिर इसको आपको कट कर देना है। कैंची पे जाओगे, राइट पे जाओगे, अब यहां पर आपको क्या करना है, जो आपने वीडियो बनाई थी स्क्रीन रिकॉर्डर की थी वो यहां पर आपको लेके आनी है। लेयर पे जाओगे, मीडिया पे जाओगे, यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डर आपकी आ जाएगी, वो यहां पर आपको लेके आ जानी है। सेम उसी तरीके से जो आपने पहला तरीका यूज किया था, सेम उसी तरीके से वीडियो आ गई। अब यहां पर आपको इसका फिर से आपको 3 dots पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे जाओगे, यहां पर फिर से आपकी 2 layers बन जाएगी। अब फिर से सेम तरीके से आपको इनको क्रोपिंग करनी है, पहली लेयर पे क्लिक करोगे, ऊपर करोगे, क्रोपिंग पे जाओगे ऊपर की तरफ, यहां पर करो, इतना क्रोप कर लिया, ये क्रोप हो गया। फिर दूसरी लेयर पे आपको क्लिक करना है, फिर इसको भी इसी तरीके से क्रोपिंग कर लो, नीचे वाला पार्ट क्रोप हो गया। अब फिर से आप इनको इसी तरीके से एडजस्ट कर लो जैसे मैंने पहले का सिखाया था, यहां पर इस तरीके से इनको एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लिया। अब यहां पर आप देख सकते हो जहां से आपके डिफरेंसेस प्ले होने लग जाए वहां से आपको, जैसे यहां से पहला हुआ, जितना आपका डिफरेंसेस बताने लग जाए, यहां से इनको जो फालतू का पार्ट है उनको कट कर दो, कैंची पे जाओ ट्रिम लेफ्ट कर दो, इसको भी कैंची पे जाओ ट्रिम लेफ्ट कर दो, और इसको पकड़ के यहां पर जहां से आपका आंसर स्टार्ट होता है वहां तक इसको इस तरीके से दोनों लेयर को यहां पर रख दो, आप देख सकते हो। और आपको इस एक लेयर में से एक की आवाज बिल्कुल कम कर देनी है। अब यहां पर मैं प्ले करके दिखाता हूं, पजल बनाया, 5 differences, टाइमिंग चला इस तरीके से, देख सकते हो। और जैसे ही 15 सेकंड खत्म हुए आंसर हो, देखो इस तरीके से आपकी वीडियो बन जाएगी। अब यहां पर 5 differences बताए गए हैं, पहला बता दिया, फिर सेकंड बता दिया, फिर थर्ड बता दिया, इस तरीके से यहां पर देख सकते हो ये आपकी कितनी गजब की वीडियो बन गई। और इसी टाइप की वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पे काम कर सकते हो सेम तरीके से। और आप नीचे एक बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना, अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक,
जिससे ऑडियंस इस वीडियो को देखते रहे। और इसी तरीके से आप 3-4 मिनट की वीडियो बनाकर, 2 से 3 पजल के यहां वीडियो बनाकर इसी तरीके से काम कर सकते हो, सेव करके गैलरी में और यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। बहुत ही गजब चैनल आइडिया है भाई, 100% आपका चैनल ग्रो करेगा। तो ऐसे ही वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पे काम कर सकते हो, जेन्युइन वीडियो बना के। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक ले दोस्तों जय हिंद जय भारत।